आईटीआई डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। उप सभापति जी, घरेलू कर्मकारों की मजदूरी नियत करने तथा उनके काम की स्थितियों में सुधार करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने के लिए जो बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। श्रीमान, इस देश में गरीबी के कारण बेरोजगारी की वजह से और सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको घरों में हर प्रकार के काम करने पड़ते हैं, जैसे खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, बच्चों को स्कूल छोड़ना आदि। घरेलू काम के नाम पर उनको हर प्रकार के काम करने पड़ते हैं। तात्पर्य यह है कि मासूम बच्चों को इस देश में किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, जिसके कारण उनको घरों में नौकरी करनी पड़ती है। घरेलू नौकर के रूप में उनका अनेक प्रकार से शोषण भी होता है। बहुत दिनों से यह मांग की जा रही है कि इस प्रकार के लोग संगठित नहीं है, इसलिए उनको शोषण से मुक्त कराने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किया जाना चाहिए। इस बिल के संबंध में जो बातें विरोधी पक्षों के माननीय सदस्यों ने कही हैं, उनसे मैं भी सहमत हूँ। मेरा भी यही मत है कि इन छोटे छोटे बच्चों का जो शोषण होता है, उसको रोकने के लिए सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए। आज ही इस सदन में बाल श्रमिकों और घरेलू कर्मचारियों के शोषण के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रम मंत्री जी ने कहा कि घरेलू बाल श्रमिकों को शोषण और अत्याचार के संबंध में कोई सर्वेक्षण सरकार द्वारा नहीं किया गया है तथा इस बारे में कोई वास्तविक सूचना प्राप्त नहीं है, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के कारण सैकड़ों बच्चों को घरेलू नौकरों के रूप में काम करना पड़ रहा है। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे देश में जो गरीबी है, उसके कारण इस देश के बालकों को घरेलू नौकरों के रूप में काम करने के लिए विवश किया जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को इस संबंध में पहले निश्चित सर्वेक्षण कराना चाहिए। बहुत सी गैर सरकारी संस्थाओं ने भी इसका कोई ना कोई सर्वेक्षण किया होगा, सरकार उनसे जानकारी ले सकती है। यदि सरकार स्वयं सर्वेक्षण कराए तो निश्चित रूप से यह
पता लग।